नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो कहानी के तीसरे एपिसोड में। तो अभी तक हमने कथक के आधार के बारे में जाना, हमने ये जाना कि कथक का बेस क्या है जो कि नाट्यशास्त्र है, और हमने ये भी जाना कि कथक किस से मिलकर बना है, क्या चीज़ है जो कथक को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जैसा कि नृत्य, नाट्य और नृत्य, और ऑफकोर्स तांडव एंड लास्य। अब हम जानेंगे कि कथक का ओरिजिन क्या है, कथक कहाँ से आया। खैर, इस बात को लेके कोई भी एक मत नहीं है कि कथक कैसे आया या इसका ओरिजिन क्या है, लेकिन जितने भी मत हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहला तो ये माना जाता है कि कथक वैदिक काल से चला आ रहा है, और ये भी माना जाता है कि पहले क्या होता था कि वैदिक काल में जो लोग कथा वाचन करते थे, जो आज भी होती है ये परंपरा, तो कथा वाचन जो करते थे उन्हीं को कथक कहा जाता था, जो कि एक कम्युनिटी थी। सो कथक वॉज अ कम्युनिटी, नॉट अ डांस। तो जो भी लोग कथा वाचन करते थे उनको कथक कहा जाता था, और जब यही कथा वाचन की परंपरा मंदिरों में नृत्य, संगीत और नाट्य के साथ होने लगी, और धीरे धीरे जब इसका और रिफाइनमेंट हो गया तो इसने कथक नृत्य का रूप ले लिया, ऐसा माना जाता है। दूसरा मत यह है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जो नृत्य किया, सबसे पहले वहां से कथक की शुरुआत हुई। तो भगवान कृष्ण ने जो नृत्य किया उसको कथक माना जाता है, क्योंकि नटवरी नृत्य, रासलीला, इन सब में बहुत सारे एलिमेंट्स जो आज हम कथक नृत्य करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। और तीसरा मत ये है कि कथक इस तरह से माना जाता है कि भक्ति काल के आसपास, लाइक अराउंड 11th सेंचुरी के बाद, कथक नृत्य ने ये एक शेप लेना शुरू किया, और उसके बाद ये दरबारों में आया, वहाँ फला फूला, दरबारों के बाद आज ये आप सबके समक्ष मंच पर उपस्थित है एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में। लेकिन अब जो रिसर्चेस हो रही हैं उससे ये सामने आ रहा है कि कथक जो आज हम जिस रूप में कथक देखते हैं उसका उद्भव राजस्थान की मिट्टी से हुआ है। राजस्थान में भी स्पेसिफिकली सुजानगढ़, चूरू जो बेल्ट है पूरा, वहाँ से कथक का उद्भव माना गया है, क्योंकि कथक के बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारे कलाकार वहाँ पे हैं, आज भी मौजूद हैं। बहुत सारे कथक के परिवार जो हैं सबसे ज़्यादा वो राजस्थान में मौजूद हैं और सक्रिय हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि बनारस घराने और लखनऊ घराने के जो वंशज हैं वो सब राजस्थान से ही निकलकर उन कोर्ट्स में गए, और वहाँ पे उसके बाद उन्होंने कथक को इतना बढ़ाया, इतना आगे तक लेके गए कि वहाँ पे वो घरानों के रूप में डेवलप हो गया। तो आज की कड़ी में आप ये कह सकते हैं कि कथक की जो जन्मभूमि है वो शायद राजस्थान हो सकती है। और अब हम जानेंगे कि कथक क्यों दूसरे अन्य शास्त्रीय नृत्यों से अलग है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कथक नृत्य है, हमारे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और इनमें से कथक एक ऐसा नृत्य है जो समूचे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा कोई और शास्त्रीय नृत्य नहीं है जो उत्तर भारत से हो, पहली बात ये। दूसरा कि हर शास्त्रीय नृत्य का जो आधार है, खासकर हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का जो आधार है, वो है संगीत। हमारे यहाँ वेस्टर्न डांस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डांस के एस्थेटिक्स हैं वो तीन हैं, दैट इज टाइम, बॉडी एंड ऑफ कोर्स एक्सप्रेशंस। और वेस्टर्न डांस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, दे ऑफ कोर्स बॉडी, क्योंकि वो हमारा टूल है, बट देन स्पेस एंड ग्रेविटी। सो एक्सप्रेशंस और टाइम का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न डांसेस में नहीं है, और इंडियन डांसेस में क्या कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेशंस और टाइम और बॉडी। टाइम का मतलब है संगीत से, क्योंकि जो समय व्यतीत होता है वो संगीत पे होता है। तो हमारे जो नृत्य हैं वो संगीत पर आधारित हैं, और शास्त्रीय नृत्य हैं तो जाहिर सी बात है कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित होंगे। तो ये जो संगीत पर आधारित है कथक, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो हिस्से हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। तो कथक नृत्य जो है वो हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं वो साउथ इंडिया में बिलोंग करते हैं।
तो उनका संगीत कर्नाटक संगीत होता है, हमारा हिंदुस्तानी संगीत होता है, इसीलिए कथक हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। दूसरी एक बहुत खास बात जो कथक में है, जो शायद हम सब देखते हैं और जानते भी हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि इट्स अ डांस फॉर्म जो आपको लगेगा बहुत सेक्युलर है, क्योंकि इसमें आपको हिंदुइज्म के अलावा मुस्लिम कल्चर भी देखने को मिलता है। लखनऊ घराना है, नवाबों के यहाँ पला बढ़ा वो कथक नृत्य, तो वहाँ पे आपको मुस्लिम शैली का नृत्य, उनकी तहजीब, उनकी इनफैक्ट टर्मिनोलॉजीज भी आपको उस नृत्य में देखने को मिलती हैं। आप वेशभूषा देखिए कथक की, अगर आप उसमें घाघरा और चोली पहनते हैं, दुपट्टा पहनते हैं, तो आप चूड़ीदार, अनारकली और फ्रॉक भी पहनते हैं। तो ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसपे आपको विभिन्न धर्मों का संगम देखने को मिलता है खूबसूरती से, और जब मंच पर होता है तो सबका मिलकर जो समावेश होता है और जो एक खूबसूरत बात बनती है, जो पूरे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ना रिप्रेजेंट करते हुए सबकी बात कहती है, और हमारी पुरानी परंपराओं के साथ जो प्रयोग होते रहे हैं उनको दिखाती है, तो वो देखते ही बनता है। और एक बहुत ज़रूरी बात जो जनरली मैंने देखा है कि लोगों का आम एक व्यू बन गया है कि अगर क्लासिकल डांस हो रहा है तो वो तो सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कथक नृत्य है उसको तो पहले पुरुष लोग ही किया करते थे। हमारे गुरु जो हैं वो पुरुष रहे हैं, पहले राज दरबारों में जो राज नर्तक रहे हैं वो पुरुष रहे हैं। इनफैक्ट इस पीढ़ी में ही हमें जो है वो फीमेल्स गुरु देखने को मिल रहे हैं, उससे पहले तो सारे मेल्स गुरु हुआ करते थे। तो कथक, अगेन, इट्स नॉट अ जेंडर बायस डांस फॉर्म, इट्स कम्प्लीटली दोनों मेल और फीमेल दोनों करते हैं, दोनों की अपनी सुंदरता है। और ख़ास बात यह है कि फीमेल्स तो अब आज़ादी के बाद करने लगी हैं, क्योंकि ब्रिटिश टाइम के दौरान जब कथक का पतन होने लगा था, क्योंकि उसको समाज के उन वर्गों में किया जाने लगा था जिसको शायद लोग ठीक नहीं समझते थे, तो इसको ठीक दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन जब आज़ादी के बाद वापस इसको एक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, और जो समाज के बुद्धिजीवी थे उन्होंने इसको दोबारा इसका उत्थान करने की कोशिश की गई, तो समाज के हर वर्ग के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे, लड़कियां भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगीं, कथक को अपनाने लगीं, एक प्रोफेशन की तरह लेने लगीं, और आज कथक के बहुत बड़े बड़े जो हैं फीमेल्स कथक गुरुज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि कथक इज़ नॉट जेंडर बायस्ड, इसको मेल्स और फीमेल्स दोनों करते हैं, दोनों की अपनी खूबसूरती है, दोनों का अपना रंग है, दोनों की अपनी अथॉरिटीज़ हैं और अपना मज़ा है।